गरीब मुल्क के अमीर ब्यूरोक्रेट्स, जमायतचारी के दावे, अखराजात शहाना। 403 अरब रुपए की सरकारी जमीन पर अफसरशाही की मौजें। 8,975 कनाल जमीनों पर आलिशान सरकारी बंगले। छोटा बंगला 10 कनाल पर, सबसे बड़ा 104 कनाल पर मुहित। रहायशगाहों की देखभाल पर सालाना 10 अरब 41 करोड़ रुपए खर्च। एक अफसर माहाना 10 लाख से 55 लाख में पड़ने लगा। रेलवे के अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का फैसला। आर्मी के ताबून हासिल करने पर गौर। 10,000 नई नौकरियां देंगे। किसी गरीब को बेरोजगार नहीं करेंगे, किसी मगरमच्छ को नहीं छोड़ेंगे। 100 रोज में वाईफाई और ट्रैकिंग सिस्टम फाल हो जाएगा। बड़े स्टेशन पर साफ पानी फराहम करेंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्राइवेट हॉस्पिटल एक दिन के इलाज पर लाखों रुपए बटोरते हैं, लूटमार नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में महंगे इलाज का नोटिस। हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग नजर आई तो 10,000 रुपए जुर्माना होगा। अमीर लतीफ हॉस्पिटल समेत 12 हॉस्पिटल्स के मालिकान को नोटिस कल तलब कर लिया। हॉस्पिटल के चार्जेस की लिस्टें भी पेश करने का हुक्म। ख्वाजा साहब, आपने रेलवे की ऑडिट रिपोर्ट देखी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। रेलवे को पांव पर खड़ा किया, यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आया। शाबाश लेने आता हूँ, डांट पड़ जाती है। साद रफीक का जवाब, आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस, ऑडिट रिपोर्ट पर जवाब जमा करवाने के लिए 1 माह की मोहलत। जवाब जमा कराएं, फिर देखते हैं शाबाश मिलती है या नहीं। जस्टिस एजाज उल अहसन। डैम रोकने की कोशिश करने वालों पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा। पानी की डकैती किसी सूरत नहीं होने देंगे। घर में नलके का पानी उबाल कर पीता हूं, कौम भी यही पीती है। चीफ जस्टिस के मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। मिनरल वाटर बनाने वाली तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओस कल 11 बजे तलब। आवाम के मसाइल मेरे अपने मसाइल हैं। आवामी मसाइल के हल के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। माफी का दौर गुजर चुका, अब काम करना होगा और नतीजे देना होंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात, लोगों के मसाइल सुने। एएनएफ की शाहदरा में बड़ी कार्रवाई, मनशियात की भारी खेप पकड़ ली। करोड़ों रुपए की 85 किलो हेरोइन और चरस बरामद। मुलजिम इमरान अली गिरफ्तार। मनशियात गाड़ी के खुफिया खानों में छिपाई गई थी। लाहौर न्यूज की खबर पर पुलिस का एक्शन। शाहदरा में बच्ची से ज्यादती और हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम इसरार खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नाजायज असलहा भी बरामद। जिना हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मरीजों के लवाहिकीन के दरमियान झगड़े का मामला, सीसीटीवी फुटेज आ गई। फुटेज में डॉक्टर्स को मरीजों के लवाहिकीन पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। सेनेट जिमनी इलेक्शन, 11 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। पीटीआई के एजाज चौधरी, जहीर अब्बास खोकर, उमर सरफराज चीमा के कागजात नामजदगी मंजूर। रहनुमा ख्वाजा खासान, हाफिज नुमान और मेहर इश्तियाक के कागजात नामजदगी भी मंजूर। हाफिज नुमान का कहना है कि टिकट का फैसला पार्टी कयादत करेगी। लाहौर में जिमनी इलेक्शन, 4 हफ्तों के उम्मीदवार आज अपने सियासी जमातों के पार्टी टिकट जमा करवाएंगे। N124 से पीटीआई के महीउद्दीन देवान ने टिकट जमा करवा दिया। उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। जाति उम्रा में सजा सोगवार। ताजियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। सेनेटर परवेज रशीद, जावेद अली शाह और बेगम जकिया शाह नवाज की भी आमद। बेगम कुलसुम नवाज की रस्म कुल कल अदा की जाएगी। कुलखानी नमाज असर से मगरिब के दरमियान होगी। आमीराती कामों के मेयार पर समझौता नहीं होगा। मेयर की जेर सदारत तरक्याती स्कीम्स और मॉल रोड की तजीन और आयश के हवाले से इजलास।
مال روڈ کی تزئین و آرائش کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ گھر خالی کرانے پر گرین ٹاؤن واسا کالونی کے رہائشوں کا احتجاجی مظاہرہ، ایم ڈی واسا کے خلاف نعرے بازی، بے گھر نہ کیا جائے، مظاہرین کی دہائی۔ کشمالا طارق کے بیٹے کو ایچسن کالج سے نکالنے کا معاملہ، سپریم کورٹ کی کشمالا طارق کو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ بچوں کی چھوٹی موٹی لڑائیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، آپ کی دادرسی ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سیوریج اور زہریلے پانی سے سبزیاں اگانے والوں کے خلاف کاروائی، لاہور ریجن میں 507 کینال اراضی پر کاشت کی گئی سبزیاں ہل چلا کر طلب کر لی گئیں، گندے پانی سے اگائی سبزیاں امراض کا باعث بنتی ہیں۔ بند روڈ پر محکمہ ماحولیات کی بڑی کاروائی، غیر قانونی طور پر کاربن جلانے پر محکمہ ماحولیات کی ٹیم نے 4 سٹیل ملز سیل کر دی۔ ایل ڈی اے میں بھی تبدیلی آ گئی، ڈی جی ایل ڈی اے کی ون ونڈو سیل پر کھلی کچہری، آمنہ عمران خان نے عوامی شکایات سنی، فوری عمل درآمد کے احکامات دیے۔ اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں قومی ویمن کرکٹ ٹیم کا ہائی پرفارمنس کیمپ جاری، خواتین کرکٹرز کی بھرپور بالنگ پریکٹس۔